अलीशा को कमिटेड लोग बर्दाश्त नहीं यार क्यों? Oh <laughs> मुझे लगता है कि अरेंज मैस का जो तो सिस्टम है ना वो लड़कों के लिए बहुत फायदेमंद होता है इतने गंदे गंदे लड़के होते हैं उनको उनकी माए इतनी प्यारी प्यारी हाँ, के नहीं ये कोई तो क्या चांद सूरज माए चाहती है, है कि हमारे बच्चों की ना चांद सूरज की जोड़ी बने लेकिन फिर वो ग्रहण और <laughs> <laughs> उस चांद पे ग्रहण लगा हुआ होता है वट आर योर रिव्यूज अबाउट एल जी पी डी क्यूब हो या मेरी बेटी हो वो मुझे थैंकफुलज करने वाले लोग बहुत कम है एक तो मैं गाइड के साथ भी हैंग आउट नहीं करती असला वन वेलकम टू माई पॉडकास्ट सीधी बात फीट रिजा जे और सीधे तौर पर बात करेंगे आज हम अलीशा जी से <laughs> ये कौन सा असलाम से धर्म से आई है आप <laughs> बस मैं सारे धर्मों को साथ मिला के <laughs> <laughs> क्या हाल है आपके ठीक ठाक आप कैसी हैं मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह <laughs> मेरा बड़ा फेमस है मैं सोच रही हूँ स्टार्ट हम मिर्ची से कर लेते हैं हाँ अच्छा आप लोगों को पता ही है कि हमारा एक मिर्ची वाला सेगमेंट होता है जो कि अभी अलीशा को नहीं मालूम बट उसको देख के अभी से ही क्रेविंग हो रही है मिर्चों की क्योंकि शी इज अ लवर हाँ। And me कि, कि ग्रीन क्यों रेड मंगवानी थोड़ी लेकर बस कुछ चल ही नहीं रहा ना कुछ चले तो कुछ चल नहीं रहा तो चल ही नहीं रही है अच्छा अलीशा का एक मसला कहेंगे या क्या कहेंगे अलीसा को कमिटेड लोग बर्दाश्त नहीं क्यों? Oh ये तो वो टॉपिक है जिसमे तुम घंटों oh घंटों बात कर सकती हो <laughs> हाँ, मतलब बर्दाश्त है, 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 है जो शादी शुदा नहीं है वो नहीं है हाँ, क्यों मतलब कोई सेंस है इस बात की हाँ, सेंसी है यार चलो ठीक है ओके okay, आई मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ सही है इंसान पहले थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करता है <laughs> ठीक है ठीक है मैं कुछ नहीं सही रही। है इंसान हाँ। करता है पहले थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद करता है मतलब कुछ लोग मैं साल से मैं देख रही हूं। शादी नहीं हो रही उनकी हो ही नहीं किसको तुम कर नहीं करती अच्छा वाह ये ये सही भाग है अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती वरना मैं बोलती थी नहीं नहीं यार नहीं मैं तो क्यों भाई क्या मतलब आप मतलब आप जवान है आप बड़ी हो गई है आप, आप भी कमिटेड हो जाए आप देखें एक तो देखे बात है मुझे कोई बर्दाश्त नहीं वही बात है ना हाँ तो हो जाए कमिटेड क्या मसला है भाई नहीं होना ना मुझे नहीं होना देखे अरेंज मैरिज बेस्ट मैरिज होती है ठीक है क्योंकि कोई लड़का नहीं मिल रहा लड़के बहुत हैं अच्छा सिंगल ऑन चॉइस ठीक है बाय चॉइस सिंगल यू मैं क्यों क्योंकि नहीं करना एक्सपीरियंसेस देखे आस पास आप कुछ एक्सपीरियंसेस से अलावा आप देखे ना नूर जहाँ ने क्या बोला था और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा mm. तो मोहब्बत अभी साइड पे रखें थोड़ा अगर नहीं हुई मोहब्बत अरेंज मैरिज हो गई तुम्हारी फिर तो उससे बड़ी मोहब्बत और क्या होती है <laughs> <laughs> ये ये बिल्कुल ऑफ था ये मेरे पल्ले नहीं पड़ा ये मेरे यार तो आप देखे अच्छा गैस करो मेरी फेवरेट मूवी कौन सी होगी कलोना नहीं नहीं भाई सारी शाहरुख खान इस टॉपिक से रिलेटेड कीप शाहरुख का साइड ना आ, कौन सी फेवरेट होगी इस टॉपिक पे अरेंज मैरिज वाली देवदास <laughs> उसकी भी अरेंज मैरिज होती है देवदास अरेंज मैरिज नहीं उसकी ऐश्वर्या की हो जाती है ना अच्छा ऐश्वर्या की भी अरेंज नहीं होती है वो लव तो नहीं होती, होती ना फिर भी हाँ, चलो अच्छा तुम बताओ कौन सी विवाह

अच्छा कभी ग्रह नहीं उता, भी लगाओ चलो नहीं।, <laughs> नहीं भी लगाओ तो कभी कभी ऐसी अरेंज मैरिज में सिचुएशन हो जाती हैं कि लड़के से आपकी वाइब नहीं मैच कर रही या लड़का तो आपको तो आप सपोर्ट नहीं, नहीं कर रहा या लड़के की माइंड सेट बहुत नैरो है बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है लेकिन फिर भी लड़की उनको परफेक्टली चाहिए होती है ख़ासतौर पर उनकी अम्मा को लड़के की बहुत होती हैं हाँ लेकिन वो लड़कियां भी जीत जाती हैं जो अटल रहती है नहीं मुझे तो ऐसे ही लड़का चाहिए तभी मैं अरेंज अरेज करूंगी वरना तो वो भी हाँ, नहीं करूंगी तो मैं वैसी हो ना ऐसा ही चाहिए तो ही करूंगी वरना नहीं और अम्मा ने बोला नहीं ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है नहीं अम्मा ऐसे नहीं बोलती अम्मा थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है इस मामले में थोड़ी, <laughs> अच्छा, थोड़ी सी है yeah, अम्मा कहती है चलो ठीक है तुम नहीं तो जिंदगी गुजारो तो मतलब अब तुम्हें नहीं जाना रिलेशनशिप में तो कोई भी नहीं जाए चले जाओ लेकिन पांच साल नहीं गुजारे कोई साथ ये ये कोई बात है हाँ अंडरस्टैंडिंग है समझने की कोशिश कर रहे हैं आप मेरी बात नहीं पा रहे तो बहुत तेज़ आवाज आती है इसमें जो तुमने सांस ली है ना अभी देखिए आप हाँ मेरी बात सुने पाँच छ साल का रिलेशनशिप मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है ठीक है आप करें लेकिन आप नॉर्मलाइज नहीं करें सही जब मेरी बात सुनो कुछ लोग हैं जिनको जिनको मैंने मैंने देखा देखा है है छः सात साल डूड एंड देर डूइंग लिटरली एवरी थिंग ट्रेवलिंग टूगेदर टू डिफरेंट प्लेसेज आई कैन रिल वो सारी चीजें वो साथ साथ कर रहे हैं एंड उनकी फैमिलीज भी वे, देर वेरी दे वे दे वे चिल अब देर इन्फ्लुस एक्जेक्टली तो वो उस पर मुझे प्रॉब्लम होती है कि यार अगर आपने ये सारी चीजें करनी ही हैं एंड बिकॉज यू आर एन इन्फ्लुएंसर तो मेक श्योर sure कि आप जो भी चीज़ करें उसका ऑडियंस के ऊपर एक अच्छा असर जाए ये बात तो है बिकॉज हमारी फॉलोइंग में मोस्टली जो लड़कियाँ होती हैं हमारी माइफ एक फॉलोइंगजैक्टली और वो लड़कियाँ ग्रोइंग एज में होती हैं फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन ये सारी लड़कियां वो हमारे फैन पेजेस बनाई हुई होती हैं hmm. और उनके ऊपर इस चीज़ का क्या असर पड़ रहा होगा एक तो हम वो हमसे इतनी इंस्पायर्ड है उसके बाद वो हमें देखें कि यार हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया हुआ और हम लोग तो ऐसे ही जा रहे हैं घूम रहे हैं फिर रहे हैं वे, लि, वे लिटरी ट्रैवलिंग तो, और वो भी डेस्टिनेशन आप देखो ना मॉल आप जा रहे हो या किसी के साथ आप इटली जा रहे हो दीज इज नॉट द डेस्टिनेशन टू गो अनमेरिड लाइक अगर yeah. आप जा रहे हो तो गर्ल्स ट्रिप पे चले जाओ स्टॉपिंग यू huh.

am the end of, of the day hum log hain to pakistan mein na hamara koi na koi religion ka to kuch na kuch to hona chahiye na itne bhi cool kid nahi banna chahiye main ki hum kuch bhi kiye chale jaye ha cool kid se i had this question in my head and uh, since we have also talked before as well a little bit but mm -hmm. uh, i wanted to talk here as well what are your reviews about lgbtq where totally do you want to start from it.

हाँ मुझे पता है मैं गलत कर रही हूँ मुझे पता है मैं उसको क्योंकि मैं वो कर रही हूँ तो मैं उसको सही नहीं बोलती डिफेंड नहीं करूंगी राइट आई वुडेंट डिफेंड माई सेल्फ इफ यूर टेलिंग मी दर एम डूइंग समथिंग आई नो आई एम डूइंग समथिंग आई एम जस्ट नॉट गिविंग यू द राइट टू टेल मी दर एम डूइंग समथिंग रॉन्ग बट आई नो दैट एम डूइंग रॉन्ग आई नो मुझे उसका गुना मिलेगा तो इट्स द सेम विद एल जी बी टी क्यू यू शुड नो दैट यू आर डूइंग द हराम थिंग यू शुडेंट बी लाइक हम तो हमारा हक है और ये और नो दैट इज नॉट योर हक

एंड आई थिंक पाकिस्तान में इट्स स्टार्टेड विध ट्रांसजेंडर उनको उनके राइट देने से कि उनके राइट होने चाहिए क्योंकि मैंने वो बहुत सपोर्ट किया था कि ओके okay, उनके भी राइट होने चाहिए क्यों ना हो उनके राइट्स बट वो ट्रांसजेंडर से ट्रांस कब is, वो, वो ट्रांसजेंडर से कब वो एल जीबीटी क्यू में आ गया वो ऐसा लगा की ट्रांसजेंडर के कंधे पे बंदूक रख के जो ना उन्होंने चला दी के सामने जो आएगा हाँ सामने जो आएगा वो ट्रांसजेंडर आ जाएगा की उसके लिए और फिर हम लोग जो है अपना आ जाएंगे but yes uh, i have seen <coughs> your stories and i have uh, seen you posting about and talking about them uh, lately lately the i have been following you and i respectfully have the same opinion about mm. the same uh, mm. conversation topic we are talking about right now so i just wanted to ask you about how would you defend this in islamic mm. way

मैं उन लोगों से अपना कोई ऐसा इंटरेक्शन करना ही नहीं चाहती ठीक है बिकॉज आई बिलीव इन हारमनी और मेरा जो डिपार्टमेंट है वो है भी ऐसा ना दैट आई हैव टू बी पोलाइट एंड स्वीट टू पीपल एंड नीड टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स या वो किस उसमें है क्या सोच रहे हैं mm. उनको मुझे अंडरस्टैंड करना है तो आई ट्राई टू वॉक अवे कि मुझे उनसे इनकाउंटर ही ना हो मेरा mm. उनसे बट अगर मेरा हुआ था और द ओनली थिंग दैट आई सेड वाज के लुक आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट आई एम जस्ट सेइंग दैट आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ दिस तो वो आगे से अ फ्रेंड ऑफ माइंड वज है नो इट्स देयर लाइफ ये और वो इट्स वेरी इजी और इट्स नॉर्मल इट्स नॉट हार्मिंग एनी और ये वो बट इट्स हार्मिंग माई यूथ इट्स हार्मिंग द कमिंग जनरेशन्स मेरा बेटा हो या मेरी बेटी हो वो मुझे आके ऐसे बोले दिल वी लाइक मामा दिस इज़ वेरी नॉर्मल आई बी लाइक नो इधर यू स्टे इन दिस हाउस एज वन जेंडर और जस्ट लीव राइट नाउ मैं वो चार पाँच साल का हो पाँच साल का हो मैं निकाल दूंगी

वो एक वेव आती है बॉडी में कि नहीं दूर दूर रहो ऐसी बातें अच्छा ठीक है है uh, मतलब सही रिस्पेक्टफुली भी हमें तो इस्लाम में भी यही सिखाया गया है कि आपको हाँ। उनको इंसान को अपना पता है सही गलत वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको अपना सही गलत पता है आप या तो अगर आपको बहुत क्लोज है आप उसको एक दफा बता सकते हो दिस इज रॉन्ग डू इट एक्चुअली

क्योंकि खामोश रहने वाला भी ना उसके साथ हो जाता है अगर आप खामोश हो तो वो फेवर में ही चली जाएगी बात ठीक so है यार उनकी मर्जी कर रहे करने दो उनको हमें क्या हमें क्या अरे यार ठीक है उन, उनकी सही है यार सही चल रही है And doing very good in their lives इस statement की वजह से People exactly. like me who speak against it या जो इन मामलास्ट में बोलते हाँ, हैं उनको बहुत हाँ, है। तो क्रिटिसिजम तुम्हें भी मिलता ही होगा मुझेग्राम sure मिलता, मुझे मिलता है topics, <laughs> ना वो बहुत ऊपर होता है अब तक बिकॉज hmm. हमेशा मेरा फॉलोवर्स का जो है वो बढ़ता है स्केल

Uh, जो खुद भी कम्युनिटी हाँ, yes. तो ऑनिस्टली मैं अगर सच बोलूँ ना hmm. तो आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे पास ना क्रिटिसाइज करने वाले लोग बहुत कम हैं, बहुत कम है नो मैटर वट आई टॉक अबाउट पीपल कोई पाँच या पाँच भी नहीं तीन से चार लोग होंगे जो आके कोई ना कोई क्रिटिक्स देंगे अपना वरना सारे लोग जो होते हैं वो सपोर्ट में ही होते हैं बिकॉज आई मेक श्योर इफ एम टॉकिंग बॉच सम टॉपिक तो मैं उसके हर तरफ से जो है ना थ्री सिक्सटी डायमेंशन से उसको एक्सप्लेन करूँ हर पॉइंट ऑफ व्यू से mm. तो वो लोगों को समझ में आती है बट जो मेरे पास आते हैं ना क्रिटिक्स वो मुझे लगता है कि उनकी बात में कोई सेंस नहीं होता क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ को इफ़ आई एम सपोर्टिंग एन एप्पल बींग रेड इन कलर तो मैं उसको इस चीज़ से नहीं कर सकती कि स्ट्रॉबेरी भी तो रेड कलर की होती है अच्छा so hmm. right? yeah. no. so like होगा वो कर रहे हैं तो, है, तो आप भी तो हिजाब नहीं करतीज नॉट मेक एनी सेंस अगर आप मुझे कोई एग्जाम्पल दे रहे हो तो मेक श्योर की वो थोड़ी रिलेटेबल तो हो कि कहीं ना कहीं से तो कुछ तो आए ना कुछ भी नहीं इट डज नॉट मेक एनी सेंस तो मैं उनकी बात को इग्नोर कर देती हूँ जब आपको खुद ही नहीं पता कि आप बोल क्या रहे हैं, तो आपकी बात टू बी वेरी ऑनेस्ट तुमने मुझे देखा होगा हाँ. ऐसा लगता है लिखूं और फिर मैं उसके प्रॉपर पॉइंट्स लेकर आऊँ या तो पॉइंट्स लेकर आऊ या तो फिर मैं फायदा नहीं है मेरा बात करने का हाँ. तो कभी भी मैंने इसी वजह से बात भी नहीं की और मुझे जो क्रिटिसिज्म की जहां तक बात है लोग करते हैं भले वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही हो जैसे तुमने अभी बोला आप आप भी तो हिजाब नहीं करती hmm. आप भी तो गुनाह कर रही हैं दिस एंड दिस इज सो डिफरेंट एग्जैक्टली ये चीज़ समझ नहीं आती लोगों को hmm. अगर आप किसी गलत या रिलीजियस पॉइंट से आप किसी बात किसी किसी चीज़ के बारे में बात करो तो वो आपके किसी रिलीजियस पॉइंट को उठा के Hmm. उससे कंपेयर करना शुरू मैं इसकी एग्जांपल देती ना अभी रिसेंटली मैंने वो वीडियो डाली ना वो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था मजे हाँ, हाँ. <coughs> तो hmm. yeah. की थी के, हाँ, ये लोग ये सारे कुछ कर रहे हो हम लोग आखिर मैंने बोला भी कुछ लोग सिंगल भी होते हैं hmm. हमारा भी दिल टूटता hmm. है तो उसके ऊपर uh, आपके भी इतने मेल फ्रेंड्स हैं और आपका भी ये है और आप <laughs> अभी वो इस दोस्त के साथ आप कॉन्सर्ट में चली जाएंगी मैं सोचती हूँ कि लोगों के पास इतना टाइम है ये कॉमेंट करने का फ्रेंड दे मेंशन एक तो मैं गाइस के साथ कभी भी हैंग आउट नहीं करती आई नेवर हेंग आउट बहुत गली really करती हूँ दोस्त है वो भी तब जब तो हाँ, मेरी मामा और मेरा भाई हाँ, मेरे साथ होता है आई डोंग आउट विद कभी भी नहीं करती मैं तो अब वो जो दोस्त का नाम लिया उससे मैं एक साल पहले मिली थी hmm. एक साल पहले वाली बात को वो साल में एक दफा मिलना और रोजाना साथ बैठे रहना वो भी ऐसे ऐसे तो उसमें बैठने में और यहाँ ऐसे खड़े हो के एक इवेंट को एंजॉय करने में जिसमें आपकी मामा भी आपके साथ हैं आपका भाई भी है आपके कजन भी वो, friend, yeah, yeah. वो भाई की तरह ही है ना एक हैज़ मेल फ्रेंड्स या फीमेल फ्रेंड्स सबकी होती हैं बट इट्सो अबाउट दस कि मैं उसको किस इंटेंशन में लेके चल रही हूँ उस रिलेशनशिप hmm. को अपने तो वो देनी यूनिवर्सिटी so, में uh, ये वाले हैं ऐसे लोग हैं बहुत वेरी प्राउड हमारा प्राइड है ये अच्छा यूनिवर्सिटी में जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी उसमें

<laughs> पड़ जाता है है वैसे सच बात उसको भी शौक होता है अम्मा पोनी का बनाइए भी तैयार करें टॉपिक के बारे में अभी भी हमने ऊपर ऊपर ही बात किया कभी बैठ के आराम से अलग से इस टॉपिक पर बात करेंगे आई होप पीपल जस्ट डोंट गेट ऑफेंडेड बाई दिस क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो, जो हर कोई कर रहा है hmm. बट अगर हम यही बात हम करेंगे तो लोगों को बुरी लगनी शुरू हो जाएगी hmm. कि आप ये हैं आप भी वो करेंगे दिस इज इंटायरली डिफरेंट आपको थोड़ी सी यू you नो know, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मैं उनको बोल दू आप थोड़ा जाके पढ़ लो hmm. थोड़ा आप थोड़ा भी सा ना, ना रिसर्च कर लो जाके थोड़ा भी ना पढ़ो जस्ट आप वो हजरत लूत का किस्सा मिनट की वीडियो पे होगी वो वो और बस काफी है आपके लिए आई सी दिस इंटरव्यूज जब hmm. कोई जर्नलिस्ट या कोई रिपोर्टर hmm. किसी का इंटरव्यू ले रहा होता है फ्रॉम दैट कम्युनिटी तो ये क... ये इंटरव्यू खत्म होता है वो वीडियो स्टार्ट हो जाती है एंड विद विद कुरानी वर्स कुरान वर्सेस तो उसे कितने गूस उसे बम्स, गूस आते बम्स आते हैं एंड मैं सोचती हूँ देखने को तो मिलती होगी वीडियो कितनी सर्कुलेट होती होगी या बट्स आई वॉज सही क्या अगर हम यही बात करेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा तो आई जस्ट होप नो बड़ी गैट हाँ नो बड़ी गेट ऑफ एंड ये ओपिनियंस होते हैं एंड एवरी बडी इज टॉकिंग अबाउट दट इट्स नथिंग लाइक वी हैव टॉक अबाउट समथिंग नहीं और अगर फ्रेंड हो भी रहे हो तो इसको कोई प्रॉब्लम इसको प्रॉब्लम है कि ना हो ना मेरे से हो जाए मैं सोचा <laughs> तो, मैं मैं तो हाँ। मतलब वो उनको बोल रही हूँ बट ऑफेंडेड हाँ और फिर हमारे ऊपर आएंगे हमारे रिलीजियस पॉइंट पे उनको मैं कह रही हूँ बाकी तो अल्लाह की मर्जी है अच्छा मुझे एक बात बताओ

they don't have patience in them. They're not ready to compromise on anything. They're not ready. unke रेडी flexibility nahi hai नहीं है हम जैसे पहले होता था ना या इफ़ यू आस्क मी इफ यू आस्क योर सेल्फ तो दे बी अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसके ऊपर तुम अपने आप को जो है ना थोड़ा सा मोल्ड कर लो गाँ चलो ठीक है यार अगर ए ही इंसान है देर इज नो रिस्पेक्ट ओपिनियंस आप कहे बस नहीं जो हम हैं वो ही ठीक है इफ यू डू वेलकम इफ यू गेट आउट दिस इज हैपनिंग राइट नाउ उनके अंदर पेशेंस ही नहीं है अगला बंदा बोल क्या रहा है आपका बहन भाई का भी रिलेशनशिप होगा या माँ बेटी का होगा इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टूसन टू दर्सन वेव टू से उनके पॉइंट ऑफ व्यू सेम हो सकते हैं हमारे हो सकता है डिफरेंट हो माई मदर एंड मी हमारा मेरे फैम फैमिली में किसी को भी ले लो ऑल फोर ऑफ अस हम लोग जो चार फैमिली मेम्बर्स हैं ऑल फोर ऑफ अस आर एक्सट्रीमली डिफरेंट हम लोग साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट हैं हम लोग ऐसे हैं बिल्कुल सारे hmm. के सारे बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग एक ही घर में रहते हैं ना hmm. हम लोग एक ही साथ रहते हैं तो वी नो कि अच्छा चलो ठीक है कुछ टाइम पे हमें अलीशा की भी बात माननी है कुछ टाइम पे हमें अकबर की भी बात माननी है कुछ टाइम पे hmm. बाबा की भी मानेगी और कुछ टाइम पर मामा की भी तो वो पेशेंस आ जाती है कभी कभार हमें लगता है कि भाई आप मम्मा बाबा गलत कर रहे हैं लेकिन हम उनको करने देते हैं खामोश रहना बहुत जरूरी होता है कभी कभार तो वो खामोश नहीं रहते खामोश रहने पे I have seen this topic. किसी ने बोल दिया था अपने इंटरव्यू में क्या आपको रहना पड़ता है खामोश खास तौर पर लड़कियों को हाँ। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और वो बहुत उसका बड़ा बतंगड़ बना था हाँ। क्या हाउ कैन यू से लड़कियाँ सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करें वाई दे मतलब हम क्यों करें सिर्फ ये तो लड़कों पे भी लाजिम है जो कि है ठीक है बट मुझे ऐसा लगता है लड़कों को लड़कियों को डिफरेंटली बनाया गया है एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द जेंडर्स डिफरेंटली लड़का बहुत अच्छा है ना तो वो चुप है चुप हो जाएगा आई थिंक सो बट अगर लड़कियां चुप हो जाती हैं ना तो मेरा ख्याल है वॉट यू थिंक लड़के का जरूरी है या लड़की का जरूरी है आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि वो सिचुएशन क्या है सिचुएशन तो बहुत ऐसी होती है जिसमें बोला जाता है तुम पे जो इन्फ्लुएंसर से बात की थी ना जो उसके ऊपर रिस्पॉस आया था जिसके ऊपर उसने रिप्लाई किया था वो. हाँ ऑब्वियसली तो 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 हाँ, हाँ. अगर हो ऐसा कि मेरे साथ मैं अपने ऊपर पर्सनली रख कर अगर बोलूँ कि अगर इफ माई हजबेंड आउट ऑफ नो वेयर अगर वो कभी आके ही स्लैप्स मी ठीक है जस्ट अ स्लैब तो आई बी लाइक ओके

Hmm. आप वो, guys, या मैंने पढ़ा भी है बहुत जगह जो बोलते हैं कि लड़की आ आ जाती जाती है है या बीवी आ जाती है, तो लड़का सही हो जाता है उन्होंने it's it's yeah. yeah, आपको बड़ा कर दिया आप इतने तो mature इनफ हो या आप इतने hmm. तो बड़े हो गए हाउ टू हैंडल योर योर थिंग्स यू शुड नो दैट हम शादी hmm. करके आए या हम नहीं लड़कियां शादी कर रही हैं अभी hmm. भी इस सोसाइटी में इस जनरेशन में इस एरा में अभी भी शादियां हो रही हैं एंड दे आर लाइक यू नो हेल्पिंग द हस्बैंड विद विद द मेंटल डिसऑर्डर्स दिस इज दिस इज आई मीन नॉट एक्सेप्ट

आपको जो सिखाया जाएगा आप वैसे ही रेज हो अगर कोई चौथा बंदा बाहर से आके बोलेगा ना यार ये गलत हो रहा है फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलूँ अली तुम्हारे बहुत गलत हो रहा है तुम क्या कर रही हो अब तुम्हारा तो सराउंडिंग्स में तुमने यही सीखा है तुमने अपनी अम्मा को देखा है कि नहीं हमारी अम्मा कॉम्प्रोमाइज कर रही है तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें सिखाया भी यही ये नहीं बोला कि मैंने कॉम्प्रोमाइज किया तुम मत करना नो बट ऑल्सो अगर वो लड़की को खुद भी पता हो ना कि उसके साथ क्योंकि आपको तब तक पता नहीं चलता जब आपके साथ हो ना जाए वो चीज तो नो no मैटर कि आप किसी भी सराउंडिंग में बड़े हुए हो अगर आपका होने के बाद आपके ऊपर ऐसी कोई चीज़ होती है कोई अटैम्प्ट होता है आपके ऊपर ऐसा तो द फर्स्ट थिंग अ गर्ल डज वो जाके बताती है कि उसने मेरे साथ क्योंकि अगर आप किसी भी नॉर्मल उससे हो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आप सहमोगे तो ना कि क्या hmm. हो गया मेरे साथ तो यू विल गो एंड टेल पीपल अबाउट इट द क्लोजेस्ट वंस कि भाई मेरे साथ ये हो गया तो आई थिंक कि सबसे बड़ा जो इसके अंदर एक आई वुड से एक करेक्टर है ना वो आपकी फैमिली का होता है इफ यैमी बैकग्राउंड इज स्ट्रॉन्ग है ना इफ़ यूर फैमिली इज बैकिंग यू अपन दिस मैटर तो लड़की कुछ भी कर सकती है नो hmm. मैटर no वो कितने भी छोटे खानदान से और कितनी hmm. भी उसकी जो ना सोसाइटी है उसके आस पास की जो सराउंडिंग है वो कैसी भी है कॉम्प्रोमाइजिंग है कितनी भी है इफ माई फादर इज गिविंग मी हिज़ बैक इज़ हैविंग माई बैक कि कुछ भी होगा ना जस्ट लेट मी नो एंड आई विल टेक यू आउट ऑफ दिस तो मैं कुछ भी होगा मैं आवाज उठाऊंगी बट ah, अगर ऐसी right. लड़की जो खुद चाहती है कि उस चीज़ से निकल जाए

बैकग्राउंड होना चाहिए लड़कियों का मैका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए मैका हाँ का मैका।, मैका मैका अच्छा आ, ये अब इंटरेस्टिंग बात होने वाली है आ, आप लोगों को याद तो होगा अजलान के साथ <laughs> मैं एक दफ़ा पॉडकास्ट आई oh थी तो उसमें एक टाइटल यूज हुआ था जहाँ लिखा था कि ऐसी इन्फ्लुसर जिसका हमजाद है <laughs> आप क्यों हज़ रही है आपके आपके बारे में थोड़ी बात हो रही है हंस तो ऐसी रही हो जैसे हमारे बारे में बात हो रही है नहीं नहीं मेरे <laughs> बारे में बात नहीं हो रही <laughs> तो वो जो इन्फ्लुएंसर है वो आज हमारे साथ मौजूद है ये वही इन्फ्लुएंसर है ये पर्दे से हट चुकी हैं ये वही इन्फ्लुएंसर है जिनका हमजाद है एंड हमजाद नहीं है जो भी है ना आप, आप, आप मुझे वो सही से बताएंगे ना कौन है वो या क्या है डिटेल में शुरू से टेक लगा लो पानी पी लो आई जस्ट कि मुझे उसके बाद कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना फेस करने पड़े आई सेंड send योर वे way. देखो मैंने कुछ नहीं बोला था तो आई टू आंसर इज नॉट हमजाद हमजाद मेरा ख्याल है कि उसको कहते हैं कि जो लाइक इट्स योर ओन सोल इट्स another सोल इन योर बॉडी दैट्स हमजाद लाइक टू सोल्स इन इन वन बॉडी दैट्स हमजाद तो वो हमजाद नहीं है इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट एंड इट स्टार्ट बैक वन माई नाना वॉज अ चाइल्ड तो जब नाना छोटे थे ना तो हमारी जो नाना की जो अम्मी थी शी यूज़ टू वो ना कुरान पढ़ाती थी बच्चों को ना बहुत सारे अब वो पहले ज़माने में लोगों को पता भी चल जाता था ना कि कुछ भी अगर ऐसी कोई पैरा एक्टिविटी हो रही है या ऐसा कुछ है तो वो दे यूज़ टू सेंस इट तो ऐसा कुछ और है तो कुरान पढ़ते थे सारे बच्चे ना तो वो नाना भी मेरे साथ पढ़ते थे तो दे वॉज दिस खेड जो मेरी नानी ने देखा कि मतलब पढ़ नानी ने कि ये नॉर्मल नहीं है ना बच्चा तो उन्होंने सेंस किया उस बात को एंड शी टोल्ड एवरी स्टूडेंट हर्स कि अब कल जो है ना सब लकड़ियाँ लेकर आएंगे तो वो सारे बच्चे लकड़ियाँ लाए फिर जब सारे बच्चे चले गए तो वो बच्चा दरख्त तो उठा के ले आया था पूरा लिटरली अ होल ट्री वो दरक नहीं आया तो माई नानी वॉज़ लाइक के ओके नाओ आई नो हु यू आर एंड नाव यू नो आई नो कि क्या सीन चल रहा है तो शी सैड विद दैट चाइल्ड एंड उन्होंने बहुत प्यार से बात की उन्होंने बोला कि लुक आई नो कि क्या हो रहा है और मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम कुरान पढ़ना चाहते हो तो इट्स कि तुम अच्छे उससे हो ना तो मैं तुम्हें कुरान भी पढ़ाऊँगी मैं तुम्हें सारा कुछ करूँगी तो मैं नॉर्मल बच्चों की तरह ही ट्रीट करूँगी बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू मेक अ प्रॉमिस और वो प्रॉमिस ये था कि तुम जो है वो किसी को तंग नहीं करोगे यहाँ पे किसी को साथ बुरा नहीं करोगे सबके साथ अच्छे से रहोगे एंड स्पेशली मेरी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहोगे ठीक hmm. है एंड जस्ट मेक श्योर कि किसी और को पता ना चले कि तुम क्या हो ठीक है तो उस बच्चे ने प्रॉमिस किया था दट आई प्रोमिस यू कि आपकी जो सेवन जेनरेशन आने वाली हैं ना अपकमिंग उन लाइक like, पूरी सेवन जनरेशन में कोई भी पूरी दुनिया का कोई भी जिन जो है ना उनको परेशान नहीं करेगा ओह एंड दैट्स अ प्रॉमिस आपकी अगली सात जनरेशन जो है ना वो हमारे हवाले हम उनकी सेफ्टी करेंगे हम उनका ख्याल रखेंगे उनको कोई कुछ नहीं कहेगा बस आप हमें कुरान पढ़ाएं तो दैट्स वैन इट ऑल स्टार्टेड और वो सबके साथ था नोबिटी रियली नोटिस अंटिल आई वॉज बॉर्न तो वो किसी ने एक किस्सा था चला गया किससे कौन इतने याद रखता है कोई तो वो घर में भी रहा करते थे नानी के होते थे नजर नहीं आते थे बट दे वर देवर दादी का पढ़ानी के घर में होते थे कि हम लोग जब भी जाते थे ना हमारे पढ़ाना तो वट ही तो जा रहे हैं खाली कर रहे हैं घर बाहर जा रहे हैं तो वो आयतल कुर्सी तीन दफा पढ़ के तीन दफा ताली बजाई एंड देन ही टू लीव तो वो ऐसे चले जाते थे अब वो एक दिन जो है ना आयतल कुर्सी पढ़ना भूल गए okay. जाने से पहले तो उनकी जो मेड थी जो घर पे रहती नहीं वो इंडिया से आई थी पार्टीशन वाला जमाना था तो वो इंडिया से आई थी उनके घर पे ही रहती थी वो तो उनके घर पे है बैठी हुई हैं ख्याल रख रही हैं घर का उनके बच्चे और हस्बैंड है उनके साथ तो नाना तो चले गए अब वो जैसे ही गए हैं रात का टाइम है और जो है ना उन्होंने देखा कि सारी जो चेयर्स है ना घर की वो आसमान मतलब छत पे चढ़ गई हैं और इधर उधर उधर घूम रही हैं दरवाजे ये वो बर्तन गिर रहे हैं कर रहे हैं सारा कुछ हो रहा है तो बड़ी परेशान हो गई तो परेशान होकर जो है ना उन्होंने वो रोने लग गई और फ़ोन तो था नहीं उस टाइम पर कि वो फ़ोन करके बुलाएँ ऐसा कुछ कॉन्टैक्ट करें कुछ भी करें तो वो कुछ भी नहीं था तो वो रात का टाइम था बच्चे को उन्होंने कैसे उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ी ख़ुद उनको आयतल कुर्सी तो आती नहीं थी शी वज हिंदू तो उनको आयतल कुर्सी आती नहीं थी उन्होंने बोला उन्होंने बस तीन दफ़ा ताली बजाई उन्होंने बोला कि जो बस मुझे उसमें वो ले लें इन अब गार्ड कर दें मुझे ना तो वो चेयर्स जो थीं वो दरवा उधर ही रही और जो है ना उनके इर्द गिर्द जो है ना बस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सी तो जब नाना हमारे एंटर हुए ना पर नाना जब वो एंटर हुए तो सारा कुछ नॉर्मल था

फिर नापाकी का बहुत ख्याल क्योंकि अब मुसलमान तो रह नहीं रहे हाँ। मुसलमान है उसको तो उस चीज को बहुत ज्यादा होता है कि पाकी नापाकी है है करना है उस चीज को तो वो उसके ऊपर गुस्सा आ गया कि भाई हिसार नहीं किया आपने आयतल कुर्सी का घर पर ये वो तो ये सारी किस्से हो गई फिर मैं पैदा हुई हूँ आफ्टर एजेस जब मैं पैदा हुई तो सब नॉर्मल था किसी को इतना पता भी नहीं चला अंटल मैं थोड़ी टॉडलर उसमें आई अपने उसमें तो आई टू प्ले मैं मैं बेटी थी घर mm. पे कोई मेरे साथ होता तो था, था नहीं तो बाबा इज एट वर्क और मम्मा अपना काम कर रही हैं और मैं अकेले बैठी हुई खुद ही खुद ही में खेले जा रही हूं तो अगर बच्चा अकेला खेल भी रहा होता है वो टॉयज के साथ खेल रहे बिग डील बट मैं बहुत छोटे से मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया था बहुत छोटे से आई वाज अराउंड 1 और वन एंड हाफ टॉकिंग या

नाम है uh -huh. ठीक है तो अगर हम इफ़ आई एम लाइक टेकिंग अ शावर तो मम्मा मुझे नला रही तो था टू टेल मम्मा कि मुझे दरवाज़ा बंद कर दें वॉशरूम का घर पे कोई नहीं होता था ठीक है मम्मा क्लोज द डोर ही इज़ वॉचिंग मी उसको बोलो कि मुझे ना देखे शेम शेम मम्मा शेम शेम तो उस पर मम्मा कहती थी, थी कि भाई ना देखो चले जाओ बुरी बात है ना बहन है तुम्हारी ऐसे देखते हैं किसी को बुरी बात होती है तो उसके बाद आई टू गेट नॉर्मल हाँ चलो अब नहीं देख रहा ये नहीं हो रहा तो अम्मा ने कोई एक्शन नहीं लिया अम्मा नहीं सोची थी इसको क्या अम्मा हो गया चल ने वो मुझे हार्म ना करे तो कोई मसला नहीं है ना क्योंकि आपकी बेटी हो एक लौती वो अचानक से किसी से बात करना शुरू करते नहीं नहीं मम्मा को लगा बच्ची है क्या ये होगा रहा तो है बच्चे ऐसे ही प्रिटेंड करते हैं ऐसे वो डॉल्स के साथ नहीं खेलते हैं, तो देखिए इसकी शादी हो रही है ये रो रही है और ये होता है बच्चे तो खेलते दिख रही है ना <laughs> बच्चा ये होता है बच्चे करते हैं ऐसा इट्स नो बिग डील तो मम्मा did not take it seriously until my brother was born my brother was born और मेरे भाई के पैदा होने के एक साल बाद में दादी का इंतकाल हो गया था तो अब दादी ना मेरी बहुत पांच वक्त नमाज बहुत ज्यादा होती ना रोजेदार नमाजी उनका इंतकाल भी नमाज पढ़ते में हुआ था आशाल। हाँ माशा <coughs> तो वो नमाज पढ़ती थी तो उनका जो प्रेयर मैट था वो ऐसा था कि उसमें तीन खड़े हो सकते थे ना लोग तो वो तीन पोर्शन बने हुए थे और एक पे दादी हमेशा उसमें बैठी होती थी तो बरा बीच वाले पे अकबर बैठता था और अगर कोई आके बैठ जाए ना कि चलो हम नमाज पढ़ लेते हैं इस पे तो अकबर हटा देता हटो 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 बैठा हुआ बैठा हुआ तो दैट्स व्हेन अम्मा स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली के क्या क्या था उसने अब हटा देता था कि बैठा हुआ है कोई तो दैट्स व्हेन अम्मा स्टार्टेड टेकिंग सीरियसली के अच्छा ये सिर्फ अलीशा के साथ नहीं था ही इज आल्सो एक्सपीरियंसिंग ऑल दीस थिंग्स और अकेले में अंधेरे में अकबर खेल रहा होता है आसमान में देख के किसी से बातें कर रहा है खेल रहा है तो

दे आर मोर लाइक प्रोटेक्टर्स प्रोटेक्ट करते हैं कभी भी अगर मुझे डर मुझे कभी डर नहीं लगा इन सारी चीज़ों से नेवर बट hmm. अगर मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मुझे अब डर लग रहा है तो दे मेक श्योर देट आई एम नॉट केयर्ड ऑफ एनी थिंग या वो हर जगह प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं अच्छा कोई प्रोटेक्ट का कोई सीन बताओ ना जैसे कभी कुछ तुमने सोचा हो या तुम्हारे साथ कुछ हो रहा हो एंड ही हैज़ टेकन केयर ऑफ इट चलो आई टेल यू वन थिंग मैं घर पे थी hmm. और लाइट नहीं थी घर पे Hmm. बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया था hmm. पूरा सिटी ना तो मैं बैठी हुई थी देर वज नो बड़ी होम मैं अकेली hmm. थी घर पे और था अभी मेरा दादी का करना बिल्कुल बराबर में अपार्टमेंट था एक और बिल्कुल फ्लैट्स तो फ्लैट्स में जब लाइट जाती है वो भी ऐसे छोटे छोटे अपार्टमेंट्स हो ना तो फौरन पता चलता है कि बराबर में कोई बात कर रहा हो hmm. अगर तो आवाज़ आती है क्लियरली तो बैठी हुई थी मैं अब मैं खिड़की के साथ बैठी हुई हूँ क्योंकि लाइट तो है नहीं कुछ नजर नहीं आ रहा नोबडी इज होम तो मैं बाहर जाके क्या करूँ ना इंटरनेट है ना कुछ है हाँ बैठी हुई थी मैंने कहा अब मुझे बिल्कुल रात हो रही थी इस टाइम पर तो मैंने कहा यार अब मैं ना बस थक गई हूँ मैं पूरे घर में ढूंढना कि मुझे कहीं से फ्लैश लाइट मिल जाए मुझे फ्लैश लाइट नहीं मिल रही थी मैंने कहा मुझे कहीं तो मिले कहीं तो मिले अंधेरा हो रहा है इतना घुप अंधेरा मुझे अपना आप नज़र नहीं आ रहा है ऐसा लग रहा है मैं अंधी हो गई हूँ mm. कुछ नज़र नहीं आ रहा तो ढूंढ रही पूरे घर में देखा पूरे घर में कहीं नहीं मिला मैं वापस से खिड़की पर आके बैठ गई तो मुझे आवाज़ है अलमारी के ऊपर है अब मैंने बोला कि चलो ठीक है शायद बराबर मैं कोई बात कर रहा होगा टोटली इट जब लाइट आई ना वापस तो पूरे घर की लाइटें एकदम से जल गई थी क्योंकि सारे प्लग्स ऑन थे सारे घर की लाइटें चली मैं ऐसे ही पूरे घर की लाइटें बंद करने के लिए उठी हूँ मेरी अलमारी के ऊपर नजर पड़ी और अलमारी के ऊपर फ्लैश लाइट रखी हुई थी आई हाँ हाँ प्रॉपर आवाज हा, हा, आई अलमारी के ऊपर है वेरी हैवी साउंड अच्छा ओके

मुझे इतना डर लगता था नहीं। कि नहीं तो मैं जब भी बारिश होती थी ना मैं सो जाती थी कमरे में आके कि जब तक मैं सो के उठूंगी ना बारिश खत्म हो जाएगी मैं आके सो जाती थी और मेरा ये वाला जो जहाँ मैं अभी रहती हूँ तो इस कारण मैंने अभी तुम्हें बताया कि मेरी खिड़कियाँ जो बहुत थर 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 करती हैं जब हवा भी चलती है तो नहीं। नहीं। वो बहुत हिलती हैं बेस्ट ओपन घर की वजह से तो बारिश हो रही है बिजली कड़क रही है नीचे दीवार गिर गई थी हमारे अपार्टमेंट की अच्छा इतनी बिजली उसके बाद आगे गई थी दीवार पूरी गिर गई थी एंड अराउंड फोर टू फाइव पीपल डाइड इट वाज अ थिंग कब हुआ ये? दो साल पहले की बात है ये बहुत लोग मर गए थे बहुत केस हुआ है प्रॉपर सारा कुछ हुआ था तो इट वॉज दैट नाइट एंड आई वॉज वेरी स्केयर क्योंकि बारिश हो रही है बिजली कड़क रही है और नीचे इतना अभावैला मचाया हुआ था सारी क्योंकि ऑब्वियसली सबके बच्चे मरे थे किसी का हस्बैंड मर गया किसी के बच्चे मरे नहाते हुए किसी की बेटी का इंतकाल हो गया तो लिव लाइक इंतकालयर बाय मुझे है मैंने नहीं सुना इस बार नहीं नहीं, नहीं बहुत न्यूज चैनल्स पे भी आया था ये सारा कुछ हुआ था तो सारा वैसी वाली रात थी और बारिश ख़त्म ही नहीं हो रही थी ना तो मैं अपने कमरे में सो रही थी सो रही हूँ अकेली मैं लेटी हुई भी हूँ लाइटें वाइटें बंद करके तो मुझे अच्छा उस दिन मेरे ना कजन्स भी आए हुए थे रहने के लिए तो सारे घर में हैं हम लोग रात को सोने के लिए लेटे आई वॉज़ वेरी स्केड कि बारिश हो रही है मैं बस डर रही हूँ डर रही हूँ डर रही हूँ डर रही हूँ लेकिन फिर ना मैं सो गई ओके नेक्स्ट डे मैं उठी और मेरा कज़न जो मुझसे एक महीना ही छोटा ज़्यादा छोटा भी नहीं है तो ही टेल्स मी कि भाई हम घर जा रहे हैं हमने नहीं रहना आपके घर पर तो मैंने कहा क्यों तो कह रहे हैं कि भाई मेरी मम्मा से पूछता रहा कि ना नाजिया खाला रात को वॉक कर रही थी ना तो मम्मा कहती है कि नहीं भाई मैं तो सो रही थी अपने कमरे में कहते नहीं नहीं आप वॉक कर रही थी मैंने खुद देखा था जब मैं वॉशरूम से गया था ना आप यहाँ पे पूरे लॉबी में वॉक कर रही थी यू हैव सीन माय रूम राइट उसके बाद पूरी लंबी सी लॉबी है मुझे कहते है कि आप वहाँ वॉक करें थे मैंने कहा नहीं भाई मैं पागल आगल हूँ मैं रात के तीन चार बजे उठ के वॉक क्यों करूंगी मैं तो कहते हैं कि अच्छा मुझे तो देखा था मुझे बाहर से लाउंज में किसी से बातें करने की भी आवाज़ आई थी तो मुझे लगा आप और मम्मा बातें कर रही हैं या आप जो है वॉक कर रही होंगी और मम्मा बातें कर रही होंगी आपके साथ ऐसा ही कुछ तो मम्मा ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था भाई तो हमने कहा अच्छा तो फिर जब मुझे उसने बताया ये सारा कि तुम्हारे तो कमरे के बाहर ही तो वॉक कर रहा था वो देन आई रियलाइज कि मैंने कहा अच्छा ठीक है मुझे डर लग रहा था तो ही वो ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी कि चलो कोई कमरे में ना आए ऐसी कोई बात ना हो मेरे साथ कि वो अलीशा डरी हुई है तो वो कमरे में कोई जाए ना कोई किसी की आज ये, ये किया ना अलीशा डरी हुई है तो वॉज लाइक प्रोटेक्टिंग No, no, I, ऐसे मत बोलो अजीब <laughs> तो, like, you know, <laughs> तो, like, अच्छा, कर रहा था मुझे क्योंकि किसी की आहट भी आती है ना हल्की सी तो मैं उठ जाती हूँ झटके से मुझे बहुत डर लगता है मैं अभी भी, भी सो रही होती हूँ ना तो मम्मा मेरे ऊपर से आके कुछ उठा रही होंगी या कुछ करी होंगी तो अंधेरे में देख के मैं डर जाती हूँ एकदम तो वो

तुमने देखा तो था, था अच्छा वो वीडियो वाला टॉकिंग अबाउट हिम और वो हाँ, हाँ एकदम जो है वो अच्छा तो आई सॉ अ वीडियो जिसके अंदर वो लड़की जो है ना वो हमजाद से बातें हम तो बाते कर रही थी ऐसे हमजाद एक्चुअली वो द वर्ड वाज यूज इन देयर तो उससे बातें कर रही थी मैंने कहा कि यार ये तो मेरे साथ भी होता है मैं भी बातें करती हूं सही mm. है नॉर्मल है mm. अच्छा मैं उससे स्टोरी बनाने लगी बिकॉज़ आई हैव नेवर रियली स्पोकन अबाउट इट ओपनली किसी से बात mm. नहीं करती ये चीजें बहुत पर्सनल रखने की होती है I'm talking about this on a podcast. You have already done it.

छोटा सा तो सारी लाइट्स क्यों बंद होती हैं भाई खोल लिया करो ना यार हर बात पे तुमने मेरा कमरा हाँ। देखा ना ऐसे एक रेड लाइट जलाई हाँ। हुई थी सब बंद होता है मेरे मुझे हाँ। लाइट्स पसंद ही नहीं है अपने कमरे में लेकिन बस बंद रखो तो छोटी सी एक एलईडी लाइट चल रही थी मेरा जो लैंप है वॉल लैंप वो जला हुआ था बस और बाकी सब बंद था तो मैंने मुड़ के देखा तो कुछ भी मुझे समझ नहीं आएगा क्या गिर सकता है मेरा दिमाग ही काम नहीं किया कुछ भी नहीं, नहीं, नहीं रखा हुआ वहाँ पर रैकेट्स रखे हुए हैं वो तो गिर नहीं सकते इतना टक्कर के आवाज़ रैकेट्स की नहीं आएंगी गिटार भी हैंग हुआ हुआ है वो भी नहीं गिरेगा उसके बाद बहुत ज़्यादा आएगी mm. तो उस लाइक पता नहीं क्या है बाद में देखूंगी ना तो लाइट मैंने खोली जब वीडियो बनाने के बाद तो मैं लाइट खोली तो मैं स्पीकर नीचे गिरा हुआ अब मैं सोच रही हूँ क्या मैंने स्पीकर यहाँ रखा हुआ है ये नीचे कैसे पड़ा हुआ ये कैसे नीचे गया कैसे इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस ये नीचे कैसे गया नहीं मैं नहीं रह सकती ऐसे कमरे में जहाँ ये सब हो रहा हूँ मैंने उठा के उसको ऊपर रख दिया मैंने कहा अब नहीं गिराना अब अगर गिरा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा <laughs> वो लाइट बंद हो के दोबारा खुल गई मेरी मैंने कहा हाँ बस <laughs> मैं मुझे गुस्सा ना दिलाओ मैंने कहा मुझे गुस्सा ना दिलाना ये टॉक टू हिम यार हाँ, तो और क्या मैंने कहा मुझे गुस्सा ना दिलाना जी ये बहुत एक्सपेंसिव है और अगर ये ख़राब हुआ ना गिर के तो अच्छा नहीं होगा वो नहीं गिरा फिर

मैं अगर ऐसा कुछ हुआ मैं मार दूंगी मेरी शादी होने देना भाई <laughs> अरे अभी किससे बात कर रही हो यार <laughs> <laughs> अच्छा माई फैमिली नोज अबाउट दिस थिंग ओके माई फैमिली नोज अबाउट दिस थिंग मैं बातें करती हूँ ये सारा कुछ अच्छा। बा? दादी के घर पे थी बाबा को हार्ट अटैक हुआ मेरे तो, तो, तो अभी वीक्स uh, बैक oh, तो हाँ बेटर नाउ तो मैं दादी के घर पे थी लाइट जाती है उनके यहाँ नॉर्मली टाइम सेट hmm. है कि भाई इस टाइम पे लाइट जाएगी जाएगी तो लाइट गई और जनरेटर ऑन नहीं हो रहा अब मैं बैठी हूँ अब मच्छर आया मच्छर मुझे कह रहा मेरी आदत है अब <laughs> okay, वो मच्छर आया और अंधेरे में, में काले कपड़े पहन के बैठी हूँ मोहर्रा में काले के कुछ पहन भी नहीं रही हाँ मैं काले कपड़े पहन के बैठी हुई हूँ मच्छर आया मैंने कहा हटो ना क्या है इतनी देर से बोल रही हूँ मार दूंगी मार दूंगी आप थप्पड़ अंधेरे में मेरे कमरे में दस पंद्रह लोग बैठे हुए थे आपस में अपनी बातें करते इतना शोर था वो सब चुप हो गए थे मुझे देख रहे थे की बात किससे कर रही है तो तुमने मुनीप को क्यों नहीं बोला मैं मैं उसको बोलूँ मच्छर भगाओ मेरे पागल हो तुम मच्छर हटो ना क्या बदतमीजी हटो अब आए ना मारू के जान से <laughs> ये वो मैं सब मेरे यूं करके देख रहे हैं मैंने कहा क्या हो गया अपना काम करो बिल्ली बिल्ली से बात करती हूं बिल्ली है तुम्हारे तो पास वैसे आई डोंट लाइक कैट्स अच्छा बात की है हां हाँ। कैसे के मतलब नॉर्मली जैसे इंसानों की तरह बोलती हूं वैसे ही बात करती तो हूं तो आगे से जवाब मिलता है जवाब कहां मिलेगा वो आगे से कुछ एनिमल्स डू अंडरस्टैंड व्हाट यू टेल देम उनको समझ में आती है और सारे प्यार के भूखे होते हैं यार उनसे प्यार से बात करो ना तो वो सब मान लेते हैं मैं बकरों से बहुत बातें करती हूँ हाँ। ये तो हर वक्त गाय बकरे गोबर इसी में रहती है <laughs> <laughs> वाकई कभी कभी इसकी इसकी बकरे वीडियोस देखो ना तो ऐसा लगता है इसके पास से आई ही होगी इसी की <laughs> जैसे लड़कों के पास से आ रही होती है तो यार एक अटैचमेंट होती है मेरी गाय तो मेरे ऊपर सो जाती थी उसको नहला रुकी नहीं वो सर रखती थी ना अच्छा ना याद आ गई मुझे उसकी उसको नहलाती थी उसको पता रोकती थी मेरी गाय सबको मारती थी सिवाय मेरे मैं उसको बोलती अगर जैसे हम लोग बैठे हुए ना चारा खिला रही हूँ मैं उसको तो अब कोई बच्चा आ गया उसको मार रही होगी मैं कहती थी ना ही जाओ नहीं मारो उसे तो वो आ जाती थी हाँ वो आ जाती थी मेरे पास और मुझे प्यार करते हुए खाना खाने की खाना खा लो बाद में जाना खाना खिलाते हुए अगर वो डिस्ट्रैक्ट से बहुत बनेगी

टहला रहे हैं पागलों की तरह भगा रहे हैं ये कर रहे हैं उनको लिहाज ही नहीं है एहसास ही नहीं है बट अगर आपका वो एक एहसास अगर आप जानवर को दिखाओ ना कि हाँ हमें एहसास है तुम्हारा उसके ख्याल रखो उसका करो तो वो फिर आपकी बातें समझ रहा होता है कि हाँ मुझे ये खाना खिला रही है उसमें इतना सेंस होता है कि ये खाना खिला रही है तो ये मेरी मालिक है इसको मुझे नहीं मारना इसकी मुझे राइट राइट हमारी गाय आई थी तीन दिन पहले तीन से चार दिन पहले अब तीन से चार दिन में क्या ही बॉन्ड बन जाएगा बन हम तो यही सोच रहे हैं ना लेकिन आई यूज टू मतलब थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूट मैं कर लेती थी जैसे कि भाई मुझे मिक्स करने दो या कुछ भी तो दे uh, अंडरस्टैंड कि अच्छा ये आ रहा है मुझे खाना खिलाना है ये आ रही है मुझे खाना खिलाना है इसको मेरा ख्याल है ये मुझे लेके जा रहे हैं टहलाने के लिए और ये मुझे प्यार करें तो एक तीन दिन के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना वो बहुत इट्स इट्स वेरी बहुत प्यारा बॉन्ड होता हाँ, है हाँ प्यारा बॉन्ड होता है अच्छा आए वी हैव दिस सेगमेंट जहाँ पे मैं आपसे तीन सवाल करूँगी आपने आप जवाब नहीं दिया तो मुझे मिर्चे खानी होंगी हाँ दे दूंगी मैं जवाब नहीं मैं जवाब नहीं हाँ ये नहीं देगी जवाब <laughs> ये जान के जवाब <laughs> नहीं देगी दोनों सूरत में मज़े कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके सो आई हैव क्वेश्चंस अब मर्जी है तुमने मिर्चे खानी है अगर मजे लेने तो तुम <laughs> नहीं देना तुम जवाब <laughs> अच्छा वो कौन सी चीज है जिसे ना छू सकते ना आर यू सीरियस तो मैं तुम मैं तुमसे जीके के क्वेश्चंस कर लूं कर लूं आई हैव नहीं नहीं कर पुछा, लेती पुछा, ये रिडल्स मोमना ने भी मुझे बोला रिडल्स पूछोगी मैंने कहा तुमसे मैं जीके के क्वेश्चंस कर लूं ये लाइट बल्ब किसने इजाद किया था सबसे पहले रिडल्स में मैं बहुत बुरी हूं ओके okay. वो कौन सी चीज़ें जिसे ना छू सकते हैं हाथ लगा सकते हैं बट कानों से पकड़ी जा सकती है आवाज अरे वाह ये तो <laughs> ये तो भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया <laughs> क्यों <laughs> किसी ने इतनी जल्दी जवाब नहीं दिया <laughs> okay. मैं जवाब जवाब तो सारे वो कौन सा जानवर है जो तीन साल तक सोता है सोता तीन साल तक सोता है सो सकता है ये जॉब चाहिए मेरे को पांडा <laughs> नहीं वेरी लेजी एनिमल ऐसा <laughs> कौन सा जानवर है जो सो सकता है जानवर मुर्दा जानवर अरे नहीं भाई तीन साल तक सो सकता है चौथे साल उठ जाएगा <laughs> हमारे पास इतना टाइम नहीं है ठीक है हमें और भी बहुत सारे टेल मी नो व्हाट्स द आंसर तो पहले लो मिर्ची पहले देयर मिर्ची पहले ओके लेट मी गेस सर कौन सा जानवर है इज इट अ मैमल और इंसेक्ट है क्या है इंसेक्ट आई थिंक सो या लेडी बग नो इंसेक्ट ही होगा ना यार फ्लाई अ कॉकरोच नहीं कॉकरोच तो हर वक्त ही जागे रहते हैं अगर ये मैंने जवाब दिया और लोगों ने नीचे कमेंट okay, किया आप नहीं आप इतनी जाहिल हैं आपको नहीं पता कि kinds. ये मैमल है इंसेक्ट ओके देर आर फोर काइंड्स मैमल्स बर्ड्स फिशेस एंड इंसेक्ट्स तो आप बताओ क्या होगा वो यार वो आई थिंक सो इट्स नो इट्स नॉट नो यार इंसेक्ट नहीं है इट्स इट्स एन एनिमल मैमल आई गेस आई डोंट नो रेप्टाइल आई विल जस्ट Take a bite. तो। टेक बाइट मोटी वाली पतली वाली दे दो टेक बाइट पूरा 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 आगे आगे चबाओ ताकि एक ऐसा मार आए इतने तो इतने खुले में खा रही है इसको तो कुछ नहीं हो रहा स्नेहिल व्हाट इज इट इट्स अ अच्छा, रेप्टाइल रेप्टाइल शुक्र मैंने यही बोला था ठीक है अच्छा इंसानी जिस्म पे ऐसा कौन सा ऐसी कौन सी जगह है जिस पे चोट लगने पे वो सबसे जल्दी ठीक हो जाता दांतों पे होठों पे स्किन पे ऑब्वियसली हाँ स्किन पे ही चोट लगती है यार क्या मतलब है, तो हो बजाती है नहीं तो स्किन पे कौन सा पार्ट है वो स्किन पे कौन सा पार्ट है बॉडी पार्ट है वो नेल्स मैंने बोला हमारे पास टाइम नहीं है आप जल्दी बता सकती हैं तो देखिए मेरा गला खराब है तो मैं क्या करूँ Thighs. नहीं नहीं oh, no. <laughs> माथे पे पे सर पे सर सर <laughs> आ गई तो तुम तो गई तो <laughs> तो तो पूरी बॉडी पे होती है ना एक बॉडी पार्ट है एल्बो पे नहीं नीज नहीं. नहीं ये क्या मतलब ऊपर से शुरू करो पहली नहीं फिर नोज नहीं What is it? अच्छा, uh, repeat your question first. भाई, पे ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे चोट लगती है तो सबसे जल्दी सही हो जाती है सब पे जल्दी ठीक हो जाती है एक I ही टाइम पे ठीक होती, होती है कोई एक टाइम पे नहीं होती है तुम ज्यादा टाइम नहीं बनो is it back? No.

कभी serious? हाँ यस आई एम सीरियस ईट इट अब हार गई है ये तो कोई बात ही नहीं ये तो मिर्ची क्यों नहीं लग रही है अलीशा क्यों लगेंगी मुझे मिर्चे ये ये तीखी वाली नहीं है वो तो देख रहे तुम आगे खोल खोल के कैसे खा रही है कड़वी है ये वाली बस यही तीन सवाल थे यार हो गया हाँ। जीत गए हम आपने खा भी ली थी सुकून से हमें आपको रुलाना था अच्छा लास्ट लास्ट पॉडकास्ट में वैसे ये था जिसने अगर सही जवाब दे दिया। तुमने अगर सही जवाब दे दिया तो मैं गाती बट आज नहीं हो सकता मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ सो यस दैट इज इट मैंने भी नहीं खाया हुआ तुम्हें पसंद है ना मुझे नहीं पसंद But yes, that is it. Thank you so much. पता ही नहीं लगा एक घंटा हो गया हमारे पॉडकास्ट को मज़ा आया आपसे बातें करके मजा, बाते कर मजा हाँ हमेशा ही आता तुम तो हमेशा मेरी ऐसी तारीफ oh हो। मैं आपके बारे में आ रही रही नहीं जा अभी एक घंटे का तो हुआ है अब जो हमने बातें की हैं वो देखते हैं क्या बचता है क्या निकल जाता है उसमें थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर बाय बाय